तो हाय एवरीवन, मैं हूँ अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और जैसे कि मैंने बोला था कि मैं कॉफ़ी मग रीडिंग करूँगी, तो ये है हमारे पास आज दो कप हैं हमने लिए हैं जिनके अंदर कॉफ़ी जा चुकी है और उसका रिजल्ट जो आने वाला है वो देखेंगे हम। हमारे पास हैं आज दो पाइल, तो आप पाइल वन ग्रीन कलर का स्टार सेलेक्ट कर सकते हो और पाइल टू है जो हमारे पास वो है रेड रेड, ठीक है। तो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है स्टार, आप उसको सिलेक्ट करो, देन देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। और जिस जिस के साथ रेजोनेट करे तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस के साथ रेजोनेट करिए। और ये जनरल रीडिंग है तो आपको पता ही है कि किसी के साथ करेगी रेजोनेट, किसी के साथ नहीं करेगी, तो आप जैसे भी ठीक है समझें आप। ठीक, तो हम शुरू करेंगे पाइल वन। ये है हमारे पास ग्रीन स्टार, देखो पहले से कार्ड्स भी आ रहे हैं। ये जिन्होंने ये ग्रीन कलर का सिलेक्ट किया था, देखते हैं उनकी रीडिंग क्या कहती है। ऑल द बेस्ट, ओके। तो आप इतना ज्यादा गुस्से में हैं इस वक्त क्योंकि आपका कोई काम तो है जो नहीं बन रहा है। आप स्टक हो चुके हैं अपनी सिचुएशन में, किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं कि आपको निकलना मुश्किल हो रहा है उससे। तो मेरे हिसाब से ना उसको ज़्यादा ध्यान में ना रखते हुए ना आप आगे बढ़ो, अदरवाइज़ आपकी जो चीज़ें हैं जो आप आगे करना चाहते हो उसमें मुश्किल होगी, ठीक है आपको। तो आप उसमें ज़्यादा ना फंसे रहें, और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और आप में जीतने की और हर चीज़ की बहुत ललक है, आप ना एक लीडरशिप क्वालिटी रखते हो, तो कहीं ना कहीं आप इमोशनल भी हो रहे हो। आप जिस जो चीज़ आपकी छूट रही है उस चक्कर में ना आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, तो उस पे आप कंट्रोल रखो क्योंकि आपका माइंड बहुत तेज है। और लोग बागों की मत सुनो बिल्कुल भी, आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी की ऐसे की सुनना चाहिए जो जो आपको गलत सलाह दे। तो गलत सलाह तो तभी लगती है जब सही सलाह भी मिले, ऐसा कुछ कह सकते हैं। हो सकता है कोई आपको बहुत ज़्यादा गुस्से में रख रहा है इस टाइम, ठीक है। आप पता क्या कर रहे हो, आप ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो और आप ना खुद ही गड्ढे में गिरोगे। इसलिए मैं पहले ही से आपको बोल रही हूँ कि जिस सिचुएशन में आप फंसे हो उस सिचुएशन से बाहर आओ, क्योंकि फिर आप ना अपने और आगे के जो काम है ना बहुत स्लो 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 कर रहे हो। तो उस वजह से मैं चाहती हूँ कि वो ना हो और आप अपने काम की शुरुआत अच्छे से करें और आप अपने काम अच्छे से करें, ठीक है। बहुत ऐसा लग रहा है ना आप घिर चुके हो उस चीज़ में और आप निकल नहीं, खुद ही निकलना नहीं चाहते हो, तो फिर दूसरा क्या करेगा। आप में कहीं ना कहीं आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जो एक मतलब अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आप उसमें ऐसे फंसे हो ना कि डेविल की एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि ना वो छोड़ सकता है और ना ही वो उसके साथ रह सकता है, ठीक है। इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली सोचें आप ज्यादा। ऐसा तो पता नहीं कैसा कैसे आप सोचते हो इतना, कैसे उस चीज से नहीं निकल पा रहे हो। रोना आ रहा है क्या, बताना मुझे जिसको रोना आ रहा है कमेंट करके कि हाँ सही बोला था मैंने। मेडिटेशन करो, बहुत शांति की ज़रूरत है आपको। लाइक फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आप आ रही है, जैसे कि आप अकेले खुद के साथ समय बिताना चाहते हैं, बिल्कुल पीस चाहते हैं आप, और ये इन सब चीज़ों से आप खुद दूर होना चाहते हैं, बट आप चाह नहीं रहे हो कि आप एग्जैक्टली नहीं चाह रहे हो कि आप उस चीज़ से निकल आओ बाहर, क्योंकि आपके जो आगे काम होंगे फिर उसमें गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि बाद के काम नहीं होंगे तो फिर दिक्कत होगी आपको, क्योंकि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारी हैं और जिनके साथ आप डील कर सकते हो, लेकिन आप अभी जिस सिचुएशन में स्टक हो ना उससे बाहर निकलो, ठीक है ना। उससे नहीं निकलोगे तो फिर तो गड़बड़ है। कोई आपको ना चने के झाड़ पे चढ़ा देता है तो उससे उतरो भाई। देखो जॉब के ऑफर भी आ सकते हैं आपके पास, ठीक है, और नया घर बनाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी है।
आप प्रैक्टिकली सोचें और थोड़ी सी हार्ड वर्क की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। तो आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो सब कुछ नहीं हो, ऐसा लग रहा है ना अभी मुझे आपकी लाइफ में, आपको खुद ही लग रहा होगा कि लाइफ में सब कुछ खाली हो चुका है, कुछ है ही नहीं लाइफ में, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी ज़िंदगी में क्या बचा है। लेकिन आपको करने को इतना सारा कुछ है ना ज़िंदगी में, लेकिन आप वो चीज़ देख ही नहीं रहे हो, आप कहीं ऐसे फंस गए हो। अब मैं ये तो नहीं बता सकती कि कहाँ फंसे हो फिलहाल में, लेकिन आप जो जहाँ पे भी स्टक हो तो उससे बाहर निकलो भाई। ऐसे पता है ऐसा लग रहा है ना कोई आपको बहुत सुनाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, और आप सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो। लाइक आपकी किसी से बहुत मतलब बोलचाल में सब गड़बड़ हो रहा है आपके। ठीक है, अभी कार्ड से देखते हैं कि क्यों ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, पता आप एक ऐसे इंसान हैं या फिर आप ऐसे पर्सन हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, आप इतना दिमाग यूज़ करते हैं, आप इतना सब सोचते हैं, बट यहाँ पे ना आप उस चीज़, आपको पता है केवल केवल और केवल सही गाइडेंस की ज़रूरत है आपको, और आप ना जहाँ पे आप फंसे हो ना उसमें यहाँ से गली है निकलने के लिए, तो आप निकल सकते हो, बट यहाँ पे ना आप निकल ही नहीं चाह रहे हो, उसी उसी में घूमते जा रहे हो उसी एरिया में, तो गलत है। देखते हैं कार्ड्स। ठीक है, खतरनाक वाला दिल टूटा है आपका। ठीक है, मैंने बता दिया। ओके, तो आपके पास दो ऑप्शन है, कोई भी हो सकते हैं दो ऑप्शन, आप सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो अपने मन से। आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है ना, लेकिन आप देखो मैं बोल रही हूँ उस सिचुएशन से बाहर निकलोगे ना आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा जहाँ भी अभी आप फंसे हो। ठीक है, अच्छा मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो तो आप उससे शादी करना चाहते हो, लेकिन वो इंसान शादी नहीं करना चाहता आपसे, वो सिर्फ आपको घुमा रहा है, तो आप घूम रहे हो। ठीक है, और अभी क्या चाहते हो ना, आपकी इतना डीप थिंकिंग कर रहे हो जितना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, इतना ज़्यादा सोचे जा रहे हो, क्योंकि आपके पास होता है ऐसा कि जिसके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं ना तो उसको प्रॉब्लम होती है, तो आई थिंक आपके पास बहुत प्रॉब्लम है अभी इस वक्त। मेरे मुंह से भी निकला ये कार्ड्स भी, लेकिन आपके पास ऑफ़र बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा ऑफ़र हैं, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं अच्छी जगह घूम के आ जाऊं, और यहाँ पे ना आपके एब्रॉड जाने के चांसेस हैं, और एक्चुअली आप सच में ना दिल के बहुत साफ इंसान हैं। ठीक है, लेकिन आपको कोई अगर थोड़ा बहुत कुछ कह देता है तो आप उसकी बातों में आ जाते हो, तो अपने हिसाब से देखो भाई, क्योंकि आप खुद इतने मैच्योर्ड हो चुके हो अब कि जब ये रीडिंग देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि 18 प्लस ही देख रहे होगे, तो मैं बताना चाहूँगी कि आप अपने हिसाब से अच्छी सिचुएशन हैंडल करो, फिर उसके बाद देखना आपकी कितना गुड लक आएगा, लेकिन आपको उस चीज़ से निकलना है। ठीक है, तो आपके पास ना जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ना बहुत जल्दी 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 आएंगी, लेकिन हमेशा यही होता है कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हो और उससे नहीं निकलते हो तो आपको सामने से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, और अगर उस सिचुएशन से आप बाहर आ जाओगे तो आपके पास बहुत मौके आएंगे, बहुत ज़्यादा मौके आएंगे, हर चीज़ में देख लो, जॉब में देख लो, रिलेशन में देख लो, और अगर आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो सब आपको रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन मैं ये कहती हूँ हमेशा सेल्फ लव अफर्मेशन सुबह से ज़रूर दिया करो या फिर रात को सोने के पहले, तो आप खुद देखोगे कि आप अपनी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो और गुड लक कितना अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये थी हमारी पाइल वन की रीडिंग, जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का स्टार सेलेक्ट किया था। ठीक है, अब देखेंगे हम जिन्होंने ये रेड कलर का स्टार सेलेक्ट किया तो उनकी रीडिंग क्या कहती है। ठीक है, रेड इमोशनल तो आप बिल्कुल नहीं हो रहे हो, प्रैक्टिकली सोचे जा रहे हो, गुड बढ़िया है, क्योंकि आपकी ग्रोथ होने वाली है बहुत जल्दी, आप बहुत जल्दी ग्रो करने वाले हो अपनी लाइफ में। ठीक है, और आप ऐसा कुछ नहीं है कि आप फंसे हो किसी सिचुएशन में, मुझे नहीं लगता है कि आप कहीं भी फंसे हो सिचुएशन में, आप एक नई चीज़ बिल्ड कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, और आप जो इंटरेस्ट है आपको जिस भी चीज़ में, तो आई थिंक आप उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, तो इट्स गुड फॉर यू, और आगे के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ लाइफ चल रही है अभी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो फील यही हो रहा है, बाकी किसी के साथ करेगी रेजोनेट, किसी के साथ नहीं करेगी तो आप वैसे देख लेना। मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ गड़बड़ है अभी फिलहाल में। ठीक है,
देखो थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस आता ही है, थोड़ा बहुत आप करोगे कोई भी काम तो उसमें थोड़ा बहुत तो आएगा ही, ये नहीं है, लेकिन बहुत आप ना उसको एकदम से पार कर जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। बाकी ठीक है, आपके रास्ते बिल्कुल क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप इतने समझदार हो ना कि आप खुद अपना खुद काम कर सकते हो। तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो आपको कोई गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप में इतना दिमाग है कि कहाँ क्या करना है। लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि आप, ऐसा लग रहा है मुझे कि आप बहुत सपने देख रहे हो, कहीं ऐसी जगह जाने के, आप शिप पे जाने का सोच रहे हो, या फिर आप कहीं बीच पे जाने का सोच रहे हो। ठीक है, आप सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए, जस्ट फॉर, आपकी लाइफ तो सही चल रही है भैया, मस्त। ना देखो, आपको ना सब ही चाहते हैं, और आप एक ऐसे पर्सन है ना जिससे सब लोग बहुत उम्मीद रखते हैं, तो आप उम्मीद पे कायम रहो हमेशा। ठीक है, तो क्योंकि आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, तो आप जैसे, वो फर्स्ट पाइल वालों में भी लीडरशिप क्वालिटी है, बट वो दिमाग ही यूज़ नहीं कर रहे ना इस टाइम। लेकिन आप ना, आप बिल्कुल स्मूथ चल रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत है। आपके पास आई थिंक एक, तीन ऑफर समथिंग हो सकती है, तीन कोई ऑफर आएंगी किसी भी चीज़ में, आई डोंट नो कि किस में आएंगी, बट तीन तो हैं ऑफर, एक दो तीन, तीन तक तो आएंगी कोई भी। आप बहुत जल्दी, आप हाई थिंकिंग रखते हैं, ठीक है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ओके, आपको एक कोई कोई आपको एक ऑफर देने वाला है रिलेशनशिप में, ठीक है, या फिर तो मुझे लग रहा है कि कोई आपसे, मतलब बिल्कुल पैर पकड़ के माफी मांगने वाला है, पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ रही है ऐसी, कोई आपसे सॉरी बोलना चाहता है, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो सॉरी तो बोलेगा कि आप उसको माफ कर दो, बट ठीक है, दैट्स योर कॉल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो पता, आप ना सक्सेसफुल होने वाले हो, ठीक है, और उसको ये पता चल गया है, सामने वाले इंसान को, तो वो आपके पास लौट के आएगा, लौट के आ रहा है या आएगा, किसी के साथ रेजोनेट करेगी, किसी के साथ नहीं करेगी, मैं पहले ही बोल रही हूँ, बाद में मुझसे मत कहना, ठीक है। तो ऑफर तो आपके पास आने वाली है अच्छी, दूसरी जो ऑफर आएगी ना वो अच्छी है, लेकिन जो अभी जो पास्ट वाला कुछ आएगा ना तो गड़बड़ है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लालच के लिए आएगा, पैर पकड़ के तो माफी मांगेगा आपसे, बहुत गिड़गिड़ाएगा एकदम, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। आप में बहुत, मतलब बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो, आपका दिमाग बहुत चलता है, और आप एकदम बहुत बहुत, सच में आप बहुत स्मूथ लाइफ जी रहे हो, अभी बहुत बहुत अच्छी चल रही है आपकी लाइफ, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है इसमें। देखते कार्ड्स क्या कहते हैं, कार्ड्स भी चेक कर लेते हैं कि क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स, ठीक है। तो आपके पास नई ऑफर आने वाली है, ठीक है, और आप एब्रॉड जाने का भी सोच रहे हो, चल ले लेते हैं इसकी, थोड़े से आप मतलब ऐसे नेचर के भी हो, प्रैक्टिकली तो सोचते ही हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत ये भी हो सकता है कि आप ना सिर्फ ये देखते हो कि सही गलत क्या है, फिर आप ये नहीं देखते हो कि आपका कौन है और अपना कौन है, और अपना भी हो तब भी आप वही काम करोगे जो आपको सही लगेगा, ठीक है। तो आपके पास तो बहुत सारी ऑफर आने वाली है, मैं बोल ही रही हूँ पहले ही आपसे, ठीक है, मे बी आपकी कोई मैनिफेस्ट हो जाएगी चीज़, तो आप एक स्टार की तरह हो, जैसे कि मैंने बोला है कि लोग, मैंने नहीं बोला है, अगर नहीं बोला है तो मैं बता देती हूँ, लोग काफ़ी इंस्पायर होते हैं आपसे, ठीक है, आपको देख देख के, तो आप ना अब फ्लो में आओगे, आपकी
जो भी काम अटक रहे थे, लेकिन अब तो फ्लो में भैया बहुत अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है आपके, आपको तो इनसे ज़्यादा मिलेंगी, जितनी उनको नहीं मिलेंगी उतनी पाइल टू वालों को मिलेंगी, हर तरीके से आपको ऑफर मिलेगी और आपके मन का होगा, ठीक है, जो भी होगा। लेकिन आप पीछे की चीज़ मत पीछे की चीज़ जो पास्ट गया तो उसको छोड़ देना बिल्कुल भी, उसके पीछे मत भागना, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। देखो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बताती हूँ, क्योंकि आप तो यही चाह रहे हो कि वो भी साथ रहे वो भी साथ रहे, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी इतनी बेहतरीन आने वाली है ना, बहुत ज़्यादा ही अच्छी आने वाली है, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो आप मेरे हिसाब से आई थिंक जिससे आप डील कर रहे हो ना वो टॉल डार्क एंड हैंडसम पर्सन हो सकते हैं या हो सकती हैं, ठीक है, और वो काफ़ी रॉयल्टी में जीते हैं, लग्जीरियस लाइफ जीते हैं, ठीक है, तो बढ़िया है। आप इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, आप इमोशनल मत होना, ठीक है, बहुत यहाँ पे क्योंकि पाइसिस की एनर्जी है तो आई थिंक इमोशनल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप जो भी काम करो आपकी लाइफ में बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत ग्रो करने वाले हो, बहुत ग्रो करने वाले हो, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। एक दो कार्ड चलूँगी आपके लिए, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है तो ले लेती हूँ, मैं सोच रही थी ये वाला कार्ड्स क्यों आ रहा है बार बार। डोंट ओवर थिंक, बट डोंट ओवर थिंक, जो कर रहे हो वही करो, ठीक है, जैसे चल रहे हो ना वैसे चलो। किसी आपको ऐसा लग रहा है ना कि मुझे आपका कोई टारगेट तो है बड़ा, आप उसको ही पूरा करने का सोच रहे हो, बट थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हो ना कभी कभी, आपको लगता है कि अरे यार ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। देखो बैलेंस के दोनों कार्ड आए हैं, 6-6 नंबर इज इम्पॉर्टेंट टू यू, 6-7 छोड़ देना, 7 बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है अभी आपके लिए, 1 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 1-6 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 7 भी हैं यार, 2 हैं 7, तो 7 भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ओके। आप मतलब आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ज़रूरत नहीं है कंफ्यूज होने की, आपके पास बहुत बेहतरीन ऑफर आने वाली है, बहुत ज़्यादा अच्छी ऑफर आने वाली है। ये रीडिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, क्योंकि यहाँ पे सब पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है ज़्यादातर, और यहाँ पे नेगेटिव होने की तो आपको वैसे भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप मंदिर हो आना, मेरे को लग रहा है फीलिंग आ रही है, ठीक है, मंदिर ज़रूरी है आपको जाना, ठीक है। और सब सही है, बढ़िया, मस्त, मंदिर जरूर जाना। एक बात और है, कोई आपको ना गुस्से से देख रहा है तो थोड़ा बच के रहना, उस हिसाब से आप देख लो, क्योंकि मुझे लगा है कि यहाँ पे कोई गुस्से में है, बहुत एंगर आप पे गुस्सा है, या फिर हो सकता है स्विच कर लिया करो एनर्जी में भी, सामने वाले से आप गुस्सा है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। और ये थी हमारी कॉफ़ी मग रीडिंग, मैंने पहली बारी करी है तो आपको जैसी भी अच्छी लगी हो तो बताना मेरे को, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। बंद नहीं हो रही रीडिंग।